हेलो बच्चों, अभी तक हमने माइक्रो प्रोसेसर के ओवरव्यू को देखा कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, उसके मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, और हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। हमने सिस्टम बस के बारे में पढ़ा, असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, एंड मशीन कोड के बारे में पढ़ा, कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ा। तो फर्स्ट चैप्टर में मेनली आपका इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है एंड सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है। तो सिंपल ब्लॉक डायग्राम में आपको माइक्रो प्रोसेसर के पार्ट्स दिखने हैं, ALU है एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी। अब जो माइक्रो प्रोसेसर का इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन का मतलब कि कैसे इसका जनरेशन हुआ, कैसे इसका उदय हुआ, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा थ्योरी आपको बता रही हूँ। और इस टॉपिक के बाद हमारा चैप्टर 1 या यूनिट 1 जो है आपकी ओवरव्यू ऑफ माइक्रो प्रोसेसर वो फिनिश हो जाएगी, और फिर हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर क्या है? मैंने आपको बताया कि माइक्रो प्रोसेसर एक सिंपल चिप है या एक स्मॉल CPU है जिसका यूज़ हम कंप्यूटर में करते हैं। ये एक डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसको कि ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से फैब्रिकेट किया गया है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक ऐसा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टर्स को IC के रूप में प्रयोग करके तैयार किया जाता है। कोई भी IC है वो ट्रांजिस्टर से मिलके बनी होती है, मॉसफेट से मिलके बनी होती है। तो इन सभी चीज़ों का यूज़ करके, बेसिकली ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करके हम IC या माइक्रो प्रोसेसर IC को बनाते हैं। सबसे पहला जो आपका माइक्रो प्रोसेसर था वो 1970 में बना था, और जिसका यूज़ BCD के गणना करने के लिए किया जाता था। BCD मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता था। उसके बाद हमारा एक माइक्रो प्रोसेसर बना, 4-बिट माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल कॉरपोरेशन ने बनाया इसको, 4-बिट माइक्रो प्रोसेसर को 1971 में। इस 4-बिट माइक्रोप्रोसेसर की हेल्प से हम सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस को कर सकते थे, और लॉजिकल ऑपरेशन जैसे और एंड, लॉजिकल एंड ऑपरेशन को। तो केवल हम सिंपल ऑपरेशन ही कर सकते थे इससे, सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड डिजिटल में और एंड, लॉजिकल एंड ऑपरेशन को किया जा सकता था। तो माइक्रो प्रोसेसर के साइज़ और उसकी जनरेशन के बेसिस पे हम इसको 5 टाइप की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। करंट की जो कैटेगरी है उसको हम 5th जनरेशन मानते हैं। वैसे तो अब आगे भी हमारे प्रोसेसर आ चुके हैं, लेकिन जो जनरलाइज है वो 5th जनरेशन ही चल रही है। तो 1st जनरेशन में क्या था? 1st जनरेशन का जो माइक्रो प्रोसेसर था वो 4-बिट माइक्रो प्रोसेसर था, जिसका डेवलपमेंट 1971 में इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा किया गया था। इंटेल एक कंपनी है। ये 4-बिट का माइक्रो प्रोसेसर था इसलिए इसका नाम रखा गया इंटेल 4004। इस माइक्रो प्रोसेसर से सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आई, 2nd जनरेशन, जो थी 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर की। इसको इंटेल ने ही 1973 में जनरेट किया, और ये एक 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर था जिससे हम 8-बिट के अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते थे। इस जनरेशन में जो माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हुए उनके नाम है इंटेल 8008 एंड 8008
8088। नेक्स्ट है आपका थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में फिर से इम्प्रूवमेंट हुआ और उसको बनाया गया 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर होने की वजह से हम 16 बिट के अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को इस थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प से परफॉर्म कर सकते थे। और इसका इवोल्यूशन हुआ 1978 में इंटेल कॉरपोरेशन से। इनके नाम है इंटेल 8086, जिसको आप लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, एक चैप्टर है आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर, एंड ज़ेलॉग Z800 तथा 80286 माइक्रो प्रोसेसर। ये 16 बिट के थे और ये 16 बिट के अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते थे। तो जैसे जैसे हमने जनरेशन में बढ़ते गए, वैसे वैसे माइक्रो प्रोसेसर की बिट्स चेंज होती गई। 4 बिट के बाद 8 बिट, 8 बिट के बाद 16 बिट, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64। नेक्स्ट है आपका फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन कितने बिट का है? 32 बिट का है। इस श्रेणी का माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 80386 था, जो कि एक 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, जिससे कि हम इस प्रोसेसर की हेल्प से 32 बिट के अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते थे। नेक्स्ट जो करंट की सीरीज चल रही है वो है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर हैं। इंटेल ने 8086 माइक्रो प्रोसेसर की जनरेशन के बाद एक नए प्रोसेसर का निर्माण किया था, जिसका नाम पेंटियम प्रोसेसर था। पेंटियम नाम आप सबने सुना होगा। तो जो पेंटियम प्रोसेसर है वो 64 बिट का प्रोसेसर है और ये इसके बहुत सारे इम्प्रूव्ड वर्जन आ चुके हैं, सीरियल, ड्यूअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो करंट में ये पेंटियम की सीरीज चल रही है आपकी। तो इस तरीके से हमने माइक्रो प्रोसेसर को क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। आपको याद करना बहुत आसान है। स्टार्टिंग 4 बिट से होगी और उसके बाद उसको 4 के उसमें आप मल्टीपल में उसको लिखते जाएंगे, 4, 8, 16, 32 एंड 64। नेक्स्ट एक टॉपिक है आपका फर्स्ट यूनिट में, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर ऑन मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी में माइक्रो प्रोसेसर का क्या इम्पैक्ट है? तो माइक्रो प्रोसेसर को आज की डेट में अगर हम डिफाइन करना चाहें उसके फील्ड को, उसके एप्लीकेशंस को, तो वो मतलब बहुत ही आप कह सकते हैं मुश्किल है। क्योंकि करंट में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जितनी भी ट्रांसपोर्ट की डिवाइसेस हैं, ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स हैं, ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम है, कंप्यूटर्स हैं आपके, सेलफोन्स हैं, इंटरनेट में राउटर्स हैं आपके, छोटे से छोटी चीज़ें आपके टॉयज़ हैं, आपके छोटे छोटे रोबोट्स हैं या बड़े रोबोट्स हैं, आपकी वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो आज सारी की सारी डिवाइसेस माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प से ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हैं। ये जितने भी डिवाइसेस हैं जो रियल टाइम सिस्टम्स हैं, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है, एटीएम है, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, ये जितने भी रियल टाइम सिस्टम हैं वो सारे एम्बेडेड सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं और एम्बेडेड सिस्टम का जो बेसिक है वो माइक्रो प्रोसेसर ही है। तो आज की डेट में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स हैं, ऑफिसेस हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन्स हैं, सब में सारी चीज़ों में आपको
माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ करना पड़ रहा है। तो आज की जो मॉडर्न एरा है उसमें माइक्रो प्रोसेसर ने बहुत बड़ा चेंज किया है, और ये चेंज पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव तो ये है कि माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प से ऑटोमेशन हुआ है हर चीज़ का, हर चीज़ ऑटोमेटिक हो गई है। जो चीज़ मैनुअल्स हुआ करती थी वो ऑटोमेटिक होने लगी हैं। तो वो जो ऑटोमेशन है, जो वो ऑटोमेटिक डेवलपमेंट हुआ है मशीनरीज में, वो सारे का सारा माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प से हुआ है। तो एक तो पॉजिटिव इसका इफ़ेक्ट ये है कि जो हम लोग हैं, जो पर्सन हैं, लोग हैं, वो अपना टाइम बचा सकते हैं और फास्ट काम कर सकते हैं। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि हम कहीं ना कहीं डिवाइसेस पे डिपेंड हो चुके हैं। हम मैनुअल वर्क करना नहीं चाहते, हम फिज़िकल वर्क करना नहीं चाहते, जो कि हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदायक है। तो इम्पोर्टेंट जो इम्पैक्ट हैं सोसाइटी पे, उसमें देखिए मेन हम इसमें एडवांटेजेस पे फोकस करेंगे कि हम पूरी तरह इस समय सिलिकन के एरा में जी रहे हैं। सिलिकन का एरा का मतलब जितनी भी चिप्स हैं, जितनी भी आपकी आईसीज हैं, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हैं। जितनी भी आईसीज हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना रहता है, डायोड सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने रहते हैं, और आईसीज को बनाने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर एंड सिलिकॉन का, सॉरी ट्रांजिस्टर एंड डायोड का। तो ये सारे सिलिकॉन से फैब्रिकेट होते हैं। तो सिलिकॉन एक बहुत छोटा सा मटेरियल है जिससे कि हम आईसी को फैब्रिकेट कर रहे हैं, और आईसीज आज की डेट में हर एक डिवाइस में लगी हुई है, चाहे आपकी कार्स हों, आपकी वॉचेस हों, फोन्स हों, आपके एरोप्लेन्स हों, एटीएम्स हों, वॉशिंग मशीन्स हों, फ्रिज हों, बच्चों के खिलौने हैं, टीवी है, सभी चीज़ों में चिप्स लगी हुई हैं। मतलब हम पूरी तरीके से सिलिकन एरा में हम जी रहे हैं। ये सभी गैजेट्स माइक्रो प्रोसेसर और एम्बेडेड सिस्टम के प्रयोग से ही अपना कार्य संपादित करते हैं। एम्बेडेड सिस्टम जो है वो माइक्रो प्रोसेसर का एडवांस वर्जन है। तो एम्बेडेड सिस्टम में हम रियल टाइम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब कि जैसे हमको रिक्वायरमेंट है एट ए टाइम, उसी तरीके से मशीन आपकी वर्क करेगी। जैसे कि आपकी वॉशिंग मशीन, उसको पता है कि कब पानी लेना है, कितना पानी लेना है, कितने टाइम पे लेना है। तो एक ये रियल टाइम सिस्टम है, वो ऑटोमेटिकली पानी निकाल देगी, ऑटोमेटिक आपके कपड़े सुखा देगी। तो ये सब ऑटोमेटिक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मशीन ऑन करनी है और आपके कपड़े आपको धुले हुए मिलेंगे। एटीएम मशीन, ये भी एक रियल टाइम सिस्टम है। जब किसी पर्सन को पैसे चाहिए वो तभी वर्क करेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। जब कोई अपना कार्ड एक्सेस करेगा तभी आपके पैसे बाहर आएंगे एटीएम से, अदरवाइज कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो ये जितने भी रियल टाइम सिस्टम्स हैं ये सब एम्बेडेड पे बेस्ड हैं, और आज की डेट में सारे सिस्टम्स रियल टाइम हैं जो कि एम्बेडेड टेक्नोलॉजी से ही वर्क कर रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर के डेवलपमेंट के साथ ही सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कार्स, कंप्यूटर्स, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट आदि लो कॉस्ट पे उपलब्ध हो सके हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे चिप्स हैं, आईसीज हैं, वो बहुत लो कॉस्ट की होती हैं, सिलिकॉन से फैब्रिकेट की जाती हैं, जिनको हम लो कॉस्ट का रखते हैं। तो आईसीज के लो कॉस्ट के होने की वजह से हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं, उनकी कॉस्ट भी कंपेरेटिवली पहले की कंपेरिजन में आज की डेट में कॉस्ट उसकी लो होती है। लो कॉस्ट, कॉम्पैक्ट साइज, फास्ट स्पीड। प्रीवियस आप टाइम से अगर कंपेयर करें तो हर डिवाइस में एक तो साइज कम होता जा रहा है, स्पीड हाई होती जा रही है, और उसकी जो उसकी रिलायबिलिटी है वो भी पहले की कंपैरिजन में ज़्यादा है। नेक्स्ट क्या है कि जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो गीगा हर्ट्स की स्पीड पे काम करते हैं। तो गीगा हर्ट्स की स्पीड पे काम करने की वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे, हाई स्पीड से काम करते हैं, और जिससे कि हमारा टाइम बचता है। माइक्रो प्रोसेसर चिप का साइज बहुत स्मॉल होता है, जिसके कारण सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का साइज भी कॉम्पैक्ट हो जाता है। माइक्रो प्रोसेसर के फास्ट स्पीड के कारण
आज के समय में सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हाई स्पीड पर वर्क करते हैं, जिससे लोगों के समय में बहुत बचत होती है। तो ये कुछ इम्पैक्ट्स हैं माइक्रो प्रोसेसर के आज की सोसाइटी में, और ये बहुत ही कहने चाहिए पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, जो कि लोगों की लाइफ को बहुत इजी बनाते हैं। तो इसका कंक्लूज़न यही है कि मॉडर्न एरा में लोगों के लाइफ स्टाइल को इजी बनाने के लिए और टाइम की बचत करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर का बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो जाती है। अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू।